वेलकम बैक। तो मैं जब ऑफ कैमरा खेल रहा था, कुछ सामान इकट्ठा कर रहा था गेम के लिए, जो कि मेरे नए प्रोजेक्ट के लिए है। ये देखो, वुड है काफ़ी सारा, प्लैंक्स है, स्टेयर्स है, बाकी कोबल स्टोन, बहुत सारा चीज़ मैं इकट्ठा करके रखा हूँ, वो मेरे नए प्रोजेक्ट के लिए। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और इधर मैं थोड़े सा ट्रीज़ प्लांट किया हूँ, पेड़ लगाया हूँ, ताकि मुझे एक्स्ट्रा वुड मिल सके, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में मुझे वुड का सबसे ज्यादा जरूरत है। तो उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहा है। तो चलो फटाफट से अभी इस ट्रीज को काट लेते हैं। मेरा एक्स टूट गया, उसको मेरे पास आयरन पड़ा हुआ है, बना लेता हूँ। बन गया। जब मैं ऑफ कैमरा खेल रहा था तो मैं लगभग 20 मिनट तक सिर्फ ओक का वुड काटा हूँ। तो मेरे पास एनफ ओक का वुड हो गया है, पर मुझे एक और वुड चाहिए, जो कि है स्प्रूस का वुड, क्योंकि स्प्रूस का जो लकड़ी होता है वो काफ़ी डार्क कलर का होता है, जो कि मैं अगर कुछ भी बिल्ड करता हूँ तो उसमें मुझे हेल्प करेगा, और जो मैं प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ उसमें भी मुझे बहुत ज़रूरत है उसकी, और उसके बिना मेरा प्रोजेक्ट भी अधूरा रह जाएगा। बस मुझे एक सैपलिंग मिल जाए ना स्प्रूस का, तो मैं उससे बहुत सारे पेड़ उगा लूँगा। तो चलो देखते हैं कितने देर में मिलता है मुझे स्प्रूस का वुड। मुझे तो नहीं लगता इधर आसपास कहीं पे स्प्रूस का वुड है। एक सेकेंड, वो विलेज है ना, रुको स्पाई ग्लास से तुम्हें दिखाता हूँ। अरे यार ये देखो, मैं स्प्रूस ढूंढ रहा था और इधर विलेज मिल गया। मैं ना शुरू में ही भी ढूंढने का बहुत ट्राई किया था विलेज, पर नहीं मिला था। और मज़े की बात यह है कि मैं उधर से ही आया था, किधर से भी, तो और मुझे विलेज उस वक्त नहीं दिखा। ओहो, मैंने सुना है विलेज में बहुत अच्छा अच्छा लूट रहता है, उसमें मुझे वो डायमंड भी मिल सकता है। चलो चल कर देखते हैं, पर कुछ भी कहो यार, विलेज देखना बहुत दिन हो गया, मज़ा आ गया विलेज देख के। बिल्कुल अच्छा किया मैंने जो इधर ही आ गया, मैं नहीं तो शायद से बहुत दिन लग जाता। मिल तो जाता ही क्योंकि विलेज वो बेस के बहुत नज़दीक है ये। तो चलो इस घर में जाके देखते हैं कुछ है कि नहीं लूट के लिए, इधर तो कुछ नहीं है। इसमें ना बक्से पड़े हुए होते हैं, उसमें तुम्हें बहुत सारा सामान इनका मिल जाएगा। विलेजर्स लोग छुपा के रखते हैं बक्से में अपने, जैसे कि डायमंड हो गया, आयरन हो गया, खाना वगैरह भी रहता है, और कोई सीड रहता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। किसी में चेस्ट ही नहीं दिख रहा मुझे। ये कुआं है, और ये देखो विलेजर, ये लाइब्रेरियन है। ओहो क्या बेच रहा है, इम्पेलिंग। ओके बाद में ये सब से मैं बाद में बात करता हूँ, पहले थोड़ा देख लेता हूँ कि विलेज में कहीं पे चेस्ट है। चेस्ट में मैं, इधर भी कुछ नहीं है। कैसा विलेज है यार, अभी तक मुझे कोई भी चेस्ट नहीं दिखा जिसमें कि कुछ लूट पड़ा हो। इधर भी नहीं, इसमें शायद होता है। नहीं ये तो वही है, उसी टाइप का घर है। अबे कैसा विलेज है यार, कुछ है ही नहीं। इसमें मिल जा, ये क्या हो रहा है, कैसा गरीब विलेज है साले। मुझे क्या लगता है ना, ये सारे विलेजर्स अपना जो भी सामान होता है वो पॉकेट में लेके घूमते हैं ताकि चोरी ना हो जाए। इसमें भी नहीं है, ये देखो इतना बड़ा घर है, इसमें भी पक्का नहीं होगा। इतना बड़ा घर क्यों बनाया हो यार, थोड़ा सेविंग्स कर लेते ना, काम आते तुम्हारे सेविंग्स। ऊपर है क्या, नहीं है। ये लाइब्रेरियन का घर है, देख रहे हो कितना अमीर लाइब्रेरियन है, इतना बड़ा घर बनवा के रखा है।
ओ भाई साहब, रात भी हो गया है, जॉम्बीज तंग करेंगे मुझे, तो मैं सो जाता हूँ यहीं पे। उतना बड़ा घर बनवा के ये पागल यहाँ पे सोया हुआ है, बताओ। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी चलो और जो भी घर बचा हुआ है देख लेते हैं, है कि नहीं। पता नहीं कैसा फकीरों का विलेज आ गया। मैं एक एक चेस्ट नहीं मिला मुझे इस विलेज में। इतना घटिया विलेज है। अच्छी बात यह है कि विलेज है, कम से कम एटलीस्ट विलेज तो है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी विलेजर्स को ले जाने। मैं देखो आया था स्प्रूस का वुड लेने के लिए, इसमें भी नहीं, और मुझे ये विलेज मिल गया। अब तो मैं सोच रहा हूँ कुछ विलेजर्स को अपने बेस तक लेके जाऊँ, जिससे कि वहाँ भी थोड़ा लगेगा कि हाँ यार यहाँ भी कोई रहता है। तो कुल मिला के विलेज तो काफ़ी घटिया था, एक भी चेस्ट मुझे नहीं मिला। और अब मैं सोच रहा हूँ कि विलेजर्स को ले कैसे जाऊँ, क्योंकि विलेजर्स को ले जाना काफ़ी मुश्किल होता है। एक मिनट, मैं अपने थंबनेल के लिए पहले एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ताकि बाद में मैं यूट्यूब पे लगा दूँगा इसे। तो ये थिंक आई थिंक सही है, F2 हो गया, एक स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं विलेजर्स को ट्रांसफ़र कैसे करूँगा अपने बेस तक, क्योंकि बहुत है काफ़ी नज़दीक ही, पर बोट से ले जाने में बहुत दिक्कत होगा और रेल मेरे पास है नहीं, तो आई थिंक बोट ही बनाना पड़ेगा मुझे। तो क्राफ्टिंग टेबल रख देता हूँ मैं, और प्लैंक्स बन गए। बोट का रेसिपी किधर है? बोट, और ये बोट बन गया, एक और बना लेता हूँ, इजी रहेगा दो विलेजर्स को। तो इसको मैं साथ ले जाने का ट्राई करता हूँ, इस फार्मर को। आ जाओ बैठ जाओ मेरे नाव में, तुम्हारी नैया पार लगा दूंगा। चलो तो इसको मैं अपने घर घुमाने ले जा रहा हूँ। अरे यार ये पाथ ब्लॉक इस पे नहीं चलेगा आई थिंक। अब क्या करूँ मैं? चलो उतरो। मुझे लगता है उस साइड से अगर मैं विलेजर्स को उठाऊं तो मेरे लिए इजी रहेगा। चलो उसी साइड चलते हैं। तो ये जो फार्मर है इसको मैं ले जाता हूँ। बैठ जा मेरे नाव पे, बैठ जा। बैठ गया, लेट्स गो। अब मैं नाव को ऊपर कैसे ले जाऊं? रुको, तोड़ के ऊपर करता हूँ मैं। पहले नाव को ऊपर रख देता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि नहीं तो मुझे फिर से चढ़ाना पड़ जाएगा, और इस नाव को मैं तोड़ देता हूँ। टूटता क्यों नहीं है? टूट गया। जाओ उस नाव में जाके बैठो, मेरे घर चलना है कि नहीं? आ जाओ। अबे यार इसको कैसे लाऊं मैं इधर? बैठ जा जाके। ओ भाई साहब मेरी बात मानता है।
तो दोस्त मेरे घर देखो पहुंच गए तुम, यही है मेरा घर। और जाओ मैं तुम्हारा नाव तोड़ देता हूँ, बोट तोड़ देता हूँ, तुम घूमो। हाँ देखो ये घूमने लगा मेरे घर, ये देखो जॉब लेने जा रहा है। हाँ देखो इसने जॉब ले लिया स्टोन कटर का, तो ये बेचने लगा क्ले से एमरल्ड, एमरल्ड से ब्रिक। छोड़ो मैं इसके दोस्त को लेके आता हूँ। तो इस बार मैं इसको लेके जाऊंगा। बैठ जा बैठ जा। हाँ बैठ गया। चलो तुम्हें भी मैं अपना गांव दिखाता हूँ, सॉरी अपना घर दिखाता हूँ, क्योंकि गांव तो कहना सही नहीं होगा उसे। इस पे चलने, ओ देखो रुक गया फिर से, इसको तोड़ के देखता हूँ पता नहीं चल पाता है कि नहीं। हाँ चलने लगा, ठीक है। इधर से साइड से हे बेल पे लैंड किया, उसके बाद यहाँ पे, और ये मैं चला पानी में। ये देखो ये यहाँ पे घूम रहा है, मैं उसे अपना घर घूमने के लिए छोड़ा उधर, और ये यहाँ पे आ रहा है। बताओ यार फिर से ले जाना पड़ेगा क्या इसको? बहुत दिमाग ख़राब हो गया। इसको यहाँ पे बैठा देता हूँ, और इसको अभी तो रात हो गया, सो जाता हूँ मैं। ये मुझे पिछले 10 मिनट से घुमा रहा है, प्लीज़ बैठ जा यार। कितना नज़दीक मैं चला गया था इसे लेके। इसका भाई कहाँ है जो इधर भाग के चला आया था? उससे तो यहीं कहीं होना चाहिए ना। किधर है? अच्छा वहाँ है। ओके पहले इसको मैं फिर से वहीं वापस दे आता हूँ।
ये शायद रास्ता भूल गया था, अब उसे याद आ रहा है रास्ता। देखो ये घर तरफ जा रहा है, मुझे लगता है ये चला जाएगा, तो मैं तब तक उसे ले आता हूँ। कहाँ चला गया? अच्छा ये सो गया है, शायद रात हो गया। ओ मेरे पास एक आइडिया आया, मैं इसका अगर बेड तोड़ देता हूँ। चलो अब इसे बेड के मदद से ले जाऊँगा घर, बहुत मेहनत करवा ली है इसने। देखो मैं बेड थोड़ा सा साइड में रखूँगा, ये बेड बस सोने के लिए आएगा, फिर मैं बेड तोड़ दूँगा। मैं कैसे सो गया, मुझे नहीं सोना। आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, आने दो आने दो। बेड तोड़ दिया, अब मैं थोड़ा दूर ले जाके लगाता हूँ बेड को, फिर वो जब सोने आएगा मैं फिर से तोड़ दूँगा। आ जाओ। अरे इधर सारे तरफ जॉम्बीज स्केलेटन स्पॉन हुए पड़े हैं, तो मैं जाके पहले एक बार सो लेता हूँ ताकि दिन हो जाए, फिर मुझे आसानी होगा सब कुछ करने में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, देखता हूँ क्या हुआ उसका। ओके यही है ये, और अब विलेजर्स को ले आया हूँ, दो विलेजर्स को अपने होम पे बेस पे। तो मैं बहुत सारा इंटरेस्टिंग वीडियोस डालूँगा, क्योंकि अभी तो बहुत मज़ा आने वाला है इनसे ट्रेडिंग करने में, सारा कुछ ऑब्टेन करने में। अब तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं, ये सब मेहनत करेंगे मेरे लिए। तो ये एक और विलेजर किधर है? एक और विलेजर, अबे क्रीपर आ रहा है, इसको मारना पड़ेगा नहीं तो ये मुझे फोड़ देगा, फट जाएगा मेरे सामने आके। किधर गया? इधर आ इधर। मारो, भागो 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 भागो। एक बार, अरे यार फट ही गया, मैं सोचा था मार दूंगा तो मेरा बेस को ये तबाह नहीं करेगा, पर इसका एक और, वो कहाँ है जिसको मैं पहले लाया था? वो भाग गया क्या फिर से? अबे यार कहाँ चला गया वो? छोड़ो सबसे पहले इसको एक जॉब दे देते, नहीं तो ये भी नल्ले की तरह हम इधर उधर घूमता रहेगा। इसको एक कुछ है जॉब के लिए, स्मिथिंग टेबल, चलो यही दे देते हैं इसको। यहाँ रख देता हूँ, आ जा जॉब कर ले। इसमें तो नहीं चला गया वो?
क्या बेच रहा है। इसका तोड़ के मैं फिर से लगाऊंगा ना, तो फिर कुछ और बेचने लग गया है। इसका जॉब स्टेशन कलेक्ट हो जा, फिर से लगाता हूँ, देखना कुछ और बेचने लगेगा। अभी 17 कोल के बदले 1 एमरेड और 6 एमरेड का एक हो। छोड़ो, फिर से अब मुझे एक विलेजर लाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सारा जगह ढूंढ लिया पर मुझे विलेजर कहीं पे भी नहीं मिला। अब मुझे लगता है ना इसको घेर देना चाहिए, क्योंकि ये भी फिर से भाग जाएगा, तो इसको मैं घेर देता हूँ फटाफट। अब ये उसके जैसा भाग नहीं पाएगा, अब ये यहीं पे कैद रहेगा। और मैं इसको बेड भी दे देता हूँ ये तोड़ के, ताकि इसको अंदर में ही काम करेगा, अंदर में ही सोएगा और बाहर झाँकेगा बस। तो बेड यहाँ लगा दिया मैंने, बेड रहो अंदर ही, आता हूँ तो एक और विलेजर लेके। ये देखो ये नल्ला यहाँ पे घूम रहा है। अबे साले जॉब कर ले जाके, तो उससे मेरा क्या फायदा। मुझे लगा ना फिर से दोबारा उतना मेहनत करना पड़ेगा, पहले वाले विलेजर को लाने में उतना मुश्किल नहीं हुआ जितना दूसरे वाले को लाने में हुआ। वीडियो काफी लंबा बन गया, तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।